सब्सक्राइब टू माय चैनल सूरज प्रकाश फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोनी की तरफ से ब्रांड न्यू ओलेड टीवी जो कि इंडिया में लॉन्च हो गई है और इसका नाम है दोस्तों A8H। तो जानते हैं इस टीवी के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों, एट प्रेजेंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ 65 इंच वाले वर्जन में अवेलेबल है। 55 इंच वाले जो वर्जन है दोस्तों, उसका अभी इंडिया में अवेलेबिलिटी नहीं है। दोस्तों, नो डाउट दिस टीवी इज कॉस्टली, टू बी ऑनेस्ट अराउंड 2,70,000 रुपीज। लेकिन इसको कवर करने का एक ही पर्पस है दोस्तों, वो है एस्पिरेशन। यही महंगी महंगी चीजें होती है दोस्तों, इनके फीचर्स कुछ होते हैं जो कि सस्ते वाली जो बजट टीवीज होती है उसमें ट्रिकल डाउन होते हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे करके जो है दोस्तों, इनके फीचर जो है आप पाएंगे कि बजट टीवीज में भी आ जाते हैं, पूरे हद तक नहीं, कुछ हद तक, और कुछ नया इनोवेशन हायर एंड पे लेता है। तो दोस्तों, इसलिए जो है इन एस्पिरेशन प्रोडक्ट्स को जो है कहीं ना कहीं कवर करना जरूरी है, बी इन इनके डिजाइन हो या फिर इनके पीछे की टेक्नोलॉजी हो या फिर कुछ और एस्पेक्ट्स हो, धीरे धीरे आज नहीं तो कल दोस्तों वो बजट सेगमेंट टीवीज में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले डिजाइन की। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो स्टैंड मिलता है दोस्तों, काफी प्रीमियम एक मेटालिक स्टैंड देखने को मिल जाता है। स्टैंड कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे नीचे लगा, तो आप अगर साउंड बार रखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत टीवी जो है आप लोगों का कवर यहाँ पे हो जाए। बात करें कुछ और चीजों की, तो पीछे से दोस्तों आप जानते हैं कि ओलेड पैनल कितने पतले होते हैं, तो जस्ट पैनल पूरा पतला है और पीछे से जो है दोस्तों केसिंग आप लोगों को दी गई है फॉर प्रोसेसिंग पर्पस एंड ऑल एंड फॉर द पोर्ट पर्पस। बेजल्स की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे उतने नैरो नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन 2020 टॉप लाइन के हिसाब से दोस्तों एकदम स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाती हैं। बात करूं स्टैंड की, तो यहाँ पे एकदम रॉबस्ट मेटालिक स्टैंड आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दिस इज एन 65 इंच टीवी दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों 55 इंच का टीवी होता है ना, उसका एस्पेक्ट रेशियो आपको जो है अराउंड 16:9 मिलता है, लेकिन जो 65 इंच का होता है दोस्तों अराउंड 16:11 या फिर 16:10 कह सकते हैं आपको वैसा मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों दोनों की जो विड्थ रहती है ना, 55 इंच और 65 इंच की विड्थ सेम होती है, लेकिन जो हाइट होती है ना उसके कारण से 55 और 65 इंच का जो है डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो इस कारण से आप लोग देखेंगे कि ब्लैक बार्स जो होते हैं 65 इंच वाली में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और कुछ चीजों की बात करें दोस्तों, तो आप जो स्टैंड है दोस्तों, स्टैंड आप देख सकते हैं इस पोजीशन में भी लगा सकते हैं और इस वाले पोजीशन में भी लगा सकते हैं। दैट मींस इस पोजीशन में आपका जो साउंड बार है अगेन वो बिल्कुल कवर अप हो जाता है, बट अगेन साउंड बार आपका जो इतना छोटा होना चाहिए, अगर इस स्टैंड के बीच का जो डिफरेंस है इससे अगर बड़ा हुआ तो आप पाएंगे कि दोस्तों ये जो साउंड बार है आपका थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। बात करें कुछ और चीजों की, तो जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ओलेड, आप लोग जानते हैं दोस्तों ओलेड तो ओलेड है, ठीक है, सोना तो सोना ही है, ये वैसी कुछ चीज है। एस्काउस्टिक सरफेस ऑडियो, यहाँ पे जो है दोस्तों 30 वॉट का साउंड सिस्टम आपको देखने को मिलता है। जो स्क्रीन है दोस्तों उसी से कहीं ना कहीं आपको साउंड देखने को मिलता है, और जो ये साउंड होता है दोस्तों डायरेक्शनल है, लाइक गोली का साउंड आप लोग मेकआउट कर सकते हैं कि राइट से गोली गया है या फिर राइट से लेफ्ट से गोली गया है। वन स्लेट मेटल स्टैंड फ्लश सर्फेस, तो सर्फेस जो है एकदम आपको अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस कंटेंट एज द क्रिएटर कंटेंट, तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं आपको नेटफ्लिक्स कैलिब्रेटेड मोड और एक क्रिएटर मोड भी आपको जो है दोस्तों देखने को मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि क्रिएटर जिस तरीके से उसने कलर एनहांसमेंट उसमें किए हैं वो आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। एंड्रॉइड टीवी है दोस्तों, गूगल असिस्टेंस, एलेक्सा, एप्पल एयरप्ले, जो आजकल हर सोनी की टीवी है वो एप्पल एयरप्ले के साथ में सपोर्टेड है, एप्पल होम किट जो है, ये सारे फीचर्स आपके यहाँ पे वर्क करने वाले हैं, जो कि स्टैंडर्ड आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल दोस्तों एक नॉर्मल एंड्रॉइड टीवी ही है, लेकिन हार्डवेयर है ना, दैट इज वॉट मैटर। यहाँ पे इन लोगों ने सोनी X1 अल्टीमेट प्रोसेसर जो है दोस्तों, इनका टॉप ऑफ द लाइन X1 एक्सट्रीम है, वैसे अल्टीमेट जो है इनका सेकंड टॉप ऑफ द लाइन है, वो प्रोसेसर यूज किया है। आई डोंट नो कितने सालों से ये लोग यही यूज कर रहे हैं, आई थिंक कुछ नाम चेंज करो या फिर कुछ वाकई में इन लोगों को जो है अंदर से चेंज करना चाहिए। ओलेड पिक्सल कॉन्ट्रास्ट बूस्टर, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि OLED के बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, आप लोग जानते हैं कि जो कंट्रास्ट होता है OLED उस चीज के लिए जाना जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ऐसी टीवी खरीदें तो जरूर एक हाई बैंडविड्थ वाला इंटरनेट जरूर लगाकर रखें। अगर आप हाई बैंडविड्थ वाला इंटरनेट नहीं लगाते हैं, आप अपने नॉर्मल टीवी चैनल्स देखते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इट इज नॉट गुड फॉर, लाइक आप इस बुगाटी का यूज आप नहीं कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट, मेक कलर एंड कॉन्ट्रास्ट मोर रियल। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि ओलेड जो है बहुत अच्छा इसमें काम करता है, और उनका वही सोनी का ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले, 4K एक्स रियलिटी इंजन, हम जो है थोड़ा फेडेड कलर को एकदम रंगा बना देते हैं एंड ऑल, एंड दे डू इट राइट। इट्स लाइक मैं भले मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन दे डू इट। मैं शोरूम जाके इनको देखता हूँ, इन टीवीज को, तो एकदम पॉपअप करते हैं यार कलर, बहुत अच्छी, मतलब मानना पड़ेगा ये कुछ तो है। वैसे पैनल LG के ही रहते हैं। साउंड एंड पिक्चर इन दी हार्मनी, जो कि एस्काउस्टिक साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों, डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ में। एंजॉय मल्टी डायमेंशनल साउंड विद S4 फ्रंट सराउंड
एंड यहाँ पे क्लियर वॉइसेस भी आपको जो है दोस्तों सुनने को मिलेगी, जैसे कि कमेंट्री हुआ, न्यूज हुआ एंड ऑल। जानते हैं कुछ थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ जो है स्पेसिफिकेशंस मैं बता देता हूँ, जो कि मुझे लगता है बताना काफी ज्यादा जरूरी है। एक जो है दोस्तों आपको यहाँ पे रिमोट भी पूरा एंड्रॉइड वाला देखने को मिल जाएगा। वेट की बात करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका जो 55 इंच का है वो आपका 18 केजी और जो 65 इंच का है वो आपका अराउंड 23 से 24 केजी हो जाएगा। और बात करें तो वाईफाई स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल जाता है, क्रोमकास्ट बिल्ड इन आपको देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ 4.2 है, विच आई थिंक लाइक ठीक है वो बहुत बड़ा बमर नहीं है, लेकिन 5 होता तो काफी ज्यादा मजा यहाँ पे आ जाता। बात करें सब चीजों की तो दोस्तों यहाँ पे HDMI आपको 4 मिल जाते हैं, एक साइड में 3 बॉटम में। और यहाँ पे दोस्तों मैं बात करता हूँ, यहाँ पे HDMI CEC का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। फीचर्स स्पेसिफाइड इन HDMI 2.1 EARC, पूरा 2.1 नहीं है दोस्तों, लेकिन उसका एक फीचर EARC आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। HDMI ऑडियो रिटर्न चैनल जो है दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। डिजिटल ऑडियो आउटपुट यस, एक बॉटम से आपको देखने को मिल जाता है। हेडफोन आउटपुट यस, एक साइड से आपको जो है देखने को मिल जाता है। USB पोर्ट आपको 2 साइड से, एक बॉटम से आपको देखने को मिल जाते हैं। और बात करें कुछ और चीजों की तो दोस्तों यहाँ पे जो है डॉल्बी विजन HLG HDR 10 प्लस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, सो दैट मे हैव बीन स्किप्ड। और यहाँ पे डॉल्बी विजन तो चलो आपको देखने को मिल ही जाता है। बात करें कुछ और चीजों की तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक्स मोशन क्लियरिटी, ऑटो मोड सब कुछ देखने को मिलता है। और यो जान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपको 10+10+5+5 के मिलते हैं, आई थिंक 2 वॉट के साउंड स्पीकर है और 5+5 वॉट के जो है आपको एम्पलीफायर्स देखने को मिल जाते हैं, 2 एक्चुएटर्स, 2 सबवूफर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो ओवरऑल एक बढ़िया टीवी है। यहाँ पे दोस्तों आप इसको ऐसे मत कंसीडर कीजिए कि महंगा है, डेफिनेटली महंगा है दोस्तों, रियलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे स्पेक्स जो है एस्पिरेशनल है, ये आगे चल के जो है दोस्तों हमारे बजट टीवीज में जो है कहीं ना कहीं जाके ट्रिकल डाउन होंगे और हमें बजट टीवीज पे भी जो है एक अच्छा अनुभव आपको आगे चल के देखने को मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।